बाइक के ऊपर 190 स्पीड के ऊपर ऐसा लग रहा था कि ये बाइक उड़ जाएगी, हवा के अंदर उड़ जाएगी। गुड आफ्टरनून एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सारे के सारे खुश तंदुरुस्त अपने अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे। आज सैटरडे है डिसम्बर 17 और विल्ला बैठा था घर पे, कुछ नहीं, काफ़ी दिन हो गए कोई कंटेंट नहीं बनाया, तो सोचा चलो निकल पड़ते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसलिए आज अपनी ट्राइडेंट निकाल रहा हूँ और कुछ मेरे को इसके और GS 1250 के कंपैरिजन में, हालांकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है बट फिर भी मैंने कहा कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए अपने सब्सक्राइबर को, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो किया जाए आज। तो आज अपना इरादा है कुछ इन्फॉर्मेशन देने का इस बाइक का, ट्राइडेंट 660 का बेबी बीस्ट। मैंने ये पक्की विंडशील्ड उतार दी थी बट काफ़ी दिनों से मैं जब बिना विंडशील्ड के चला रहा था विंड ब्लास्ट काफ़ी आता है, तो मैंने कहा वापस लगा देते हैं, इसको कोई फ़ायदा नहीं उतार के, चलो बस अभी निकला जाए। काफ़ी कुछ मैंने सामान ऑर्डर किया है US से, वो आएगा नेक्स्ट ईयर तक, फेब्रवरी तक, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था। तो जब तक कि वो नहीं आता है तब तक तो काम चलाना है, और बेसिकली जो मैंने उसमें गियर्स मंगवाए हैं वो फेब्रवरी को तक आएंगे, तो मेरे को पहले ही पता था कि तब तक वैसे भी समर नॉक कर देगी तो कोई फ़ायदा नहीं है विंटर ग्लव्स मंगवाने का। तो मैंने कहा काम चल, विंटर भी वैसे अपने इंडिया में नॉर्थ साइड ही होती है ज़्यादातर, अगर मैं प्लान करता हूँ साउथ की तरफ कहीं राइड करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बिकॉज वहाँ समर ग्लव्स ही चलेंगे, समर जैकेट ही चलेगी। स्कोप हो कि यू नो टायर हल्का सा दबे, नॉट बहुत ज़्यादा बट हल्का सा दबे, क्योंकि उससे क्या है कि जब आपका बाइक जब मोशन में होती है रोड पर तो वो थोड़ा सा ग्रिप बना के चलती है सड़क के साथ, और ग्रिप बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रेकिंग के टाइम, क्योंकि जब तक पकड़ नहीं होगी टायर की रोड पर तो ब्रेक अच्छी नहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा टायर का प्रेशर अगर होगा, बहुत ज़्यादा इंसेंस होगा, टायर बिल्कुल भी नहीं दब रहा है तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था इस फ़रवरी में, कि अचानक सामने आ गया एक बाइकर और मुझे ब्रेक लगाई जब मैंने तो मेरा अगला टायर स्लिप हो गया। तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई लोग प्रेफर करते हैं चार्ट को ही जो बाइक की कंपनीज के साथ बेचती हैं, मेरे हिसाब से आपको बाइक का प्रेशर अपने हिसाब से रखना चाहिए, ना कि जो उस चार्ट पे लिखा हुआ है। सबसे बेस्ट चीज़ इस बाइक में मुझे क्या लगती है, एक तो लाइट वेटेड है, जब सिटीज़ के अंदर बाइक को ट्रैफिक में काटने की बात आती है तो ऑफकोर्स हल्की बाइकों का जवाब नहीं है। आपने देखा है वही ट्रैफिक के अंदर से छोटी सी जगह के अंदर भी मैं यू निकाल के चला गया, ये काम मैं GS में कभी नहीं कर सकता। बट हाँ, आप GS जैसी बाइक के अंदर कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी हैवी बाइक है और हैवी बाइक के साथ मामला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हैवी बाइक है सट के भागती है तो वही जब वो आउट ऑफ बैलेंस होने लगती है तो घोड़े खोल देती है वो भी, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा टाइम पे। हालांकि इसका बैलेंसिंग इतनी प्यारी है कि वो कभी ऐसा होता नहीं उसके साथ, बट हाँ इन बाइक के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जितनी हल्की हैं उतनी हवा में उड़ भी जाती हैं। बाइक की हैंडलिंग की कटिंग की, तो ऑफकोर्स हल्की बाइक का नज़ारा कुछ और है। अगर आप छोटी मोटी 200-300 किलोमीटर की राइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बाइक है,
और रिलायबल बाइक है, बट यही बात जब आप 200-300 किलोमीटर की राइड की बात करते हैं तो बड़ी रिलायबल बाइक है, हल्की बाइक है, एवरेज अच्छा देती है और शूट भी जाती है, शूट भी। तो बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इतना पावर इस छोटी बाइक के अंदर, इतना पावर है, अमेजिंग। सो एक दिमाग में ख्याल आया है कि अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए तो इसको मैं टूरिंग बाइक में कन्वर्ट कर सकता हूँ और मज़ा भी आएगा इसको टूरिंग पे ले जाने पे, छोटी मोटी राइड्स पे। लेट्स सी, मेरे मूड चेंज होते रहते हैं। थोड़ा स्पॉट मज़ेदार नहीं मिला, किसी एनिमल की डेड बॉडी पड़ी है, वो भी बहुत स्मेल आ रही थी। दूसरा आई थिंक कोई पुलिया के ऊपर लगा दो जहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट सरफेस हो, ट्राइपॉड आराम से आ जाए, खड़ा हो जाए। इस टोल से भी एंट्री हो जाती है बट ये कहीं और से होते, बादली वगैरह से होते हुए निकलेगा आपको। सो बेटर है कि आप आगे से निकल लो, यहाँ से यू टर्न ले लो। सो गाइस, केएमपी पे मेरी फेवरेट प्लेस, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, सुकून रहता है। सुकून तो खैर अब क्या मिलना है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और बट ये है कि अगर आप अच्छा फ़ोटोग्राफ वगैरह खरीदना चाहते हैं अकेले में, सुकून में, तो आप खींच सकते हैं, बट स्टिल देर आर पीपल हु विल फाइंड यू एंड विल कम नेक्स्ट टू यू एंड देन विल कीप ऑन लुकिंग एट यू, क्या कर रहे हो तुम। तो मैं कुछ आई वॉज ट्राइंग टू टेक अ पिक्चर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो मेरा कुछ सामान यहाँ पे पड़ा था, तो देयर वाज अ गाय स्टैंडिंग आउटसाइड लाइक उस तरफ खड़ा था, तो वो चल के यहाँ पर आके मेरे पास आके खड़ा हो गया। आई डोंट नो कुछ ले के भाग जाता है या क्या करता, बट स्टिल आई वाज गॉट वरीड अबाउट फॉर माई स्टफ। सो उस वजह से फिर मैं वापस वहाँ पर, मैं एक्चुअली जो फोटोग्राफ मैंने खींची वो आउट ऑफ जूम हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान उस इंसान की तरफ था, क्योंकि बिल्कुल ही वो बैग के पास आके खड़ा हुआ था। सो यहाँ डिस्ट्रैक्शन, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपको मिल जाते हैं, बट एनीवेज ये चलता रहता है। बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इन रोड्स पे, और पिकअप पावर टॉक एकदम लाजवाब है ट्राइडेंट 660 का। हाँ बट हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी टूरिंग बाइक से। स्टार्टिंग में मेरा जो मोटो था वो एक लॉन्ग राइडिंग का ही रहा शुरू से। मेरे को स्ट्रीट में या वीकेंड ट्रिप्स में कुछ मज़ा नहीं, वीकेंड ट्रिप्स इन द सेंस ऑफ वीकेंड राइड्स में मज़ा नहीं आता कि सुबह 60-70 किलोमीटर के लिए निकल गए, और हाँ वंस अ वाइल ठीक है बट नॉट एवरी वीकेंड। एवरी वीकेंड आई विल प्रेफर कि मेरे को कहीं यू नो टूर पे निकलना है लंबी। समबडी इज कॉलिंग मी, ओके। एनीवेज बाइक के डिस्प्ले पे आ जाता है, बिकॉज इसमें भी ब्लूटूथ है, मैं दिखा दूँ। तो वहाँ पर आ जाता है कि कॉल आ रहा है। सो बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर है, मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। बाइक की सर्विस ड्यू है, इसलिए ये आइकन आ रहा है, सर्विस करवानी है इसकी। सो अभी सनलाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, अभी नज़र नहीं आएगा बट फिर भी कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। यह ट्रैम का नेविगेशन ऐप है, इसमें क्या होता है कि आप नेविगेशन इसके साथ ऑन कर दो और ये आपको बताएगा। मैं अगर आपको बताऊँ, ये ट्रैम का जो ऐप है, सो ये बता रहा है नेविगेशन इन प्रोसेस। सो ये पूरा मेरा मैप मुझे बता रहा है। सो ये एक अच्छी फीचर है, ये देखिए यहाँ पर वो वापस डिस्टेंस मेरे को बताता रहेगा कि कितना टाइम लगेगा और किस रूट से मेरे को जाना है, कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है। तो ये सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, ये आपको पूरा बताएगा।
ये आपका यहाँ से वॉल्यूम ऑन होगी आपके हेलमेट में, यहाँ से आपका जो है आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि किस वक्त टर्न लेना है, किस वक्त लेफ्ट लेना है। इसका जो सर्विस इंटरवल है 27,089 किलोमीटर और चल रहेगी, बिकॉज सारा टाइम तो खड़ी रही है, तो इसलिए मैंने नवंबर में इसकी सर्विस नहीं करवाई क्योंकि चली गाड़ी बहुत कम है। बट हाँ, अभी और शायद एक दो हफ्ते में करवा लूँगा मैं इसकी सर्विस। सो ये टेम्परेचर बताता है इसके, बाइक का टेम्परेचर कितना है, ये आपका फुल स्टेटस कितना बाइक चल गई, क्या एवरेज दे रही है, और ये आपका ट्रिप है, और आपका ये मेन्यू है। मेन्यू के अंदर आपका राइडिंग मोड्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो राइडिंग मोड आते हैं, रेन एंड रोड। रेन बेसिकली आपकी जो पावर है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है क्योंकि बाइक आपकी स्लिप ना हो, स्किड ना मारे पानी में। ये बाइक का सेटअप है, इंडिकेटर्स आप इसको किस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं, एडवांस बेसिक, एक होता है एडवांस ऑटो। एडवांस ऑटो का क्या है कि आपका कुछ टाइम चलने बाद अपने आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर जाएगा वो। मैनुअल आपका वही है कि अगर आप उसको मैनुअल करेंगे, जब तक यहाँ से आप उसको ऑफ़ नहीं करेंगे तब तक वो ऑफ़ नहीं होगा। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, हम ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो डिसेबल करते सार ही इसका यहाँ पर ओके, ये है ट्रिप का सेटअप। हम ट्रिप को सेटअप रीसेट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। इसको ऑटोमेटिक मैनुअल किस पे रखना है ये सब आपके ऊपर है। डिस्प्ले सेटअप, इसमें आपका विजिबल ट्रेस, अभी ट्रिप वन पे है, ट्रिप टू पे है, फ्यूल स्टेटस, कूलेंट, सर्विस इंटरवल, ये सब इसको क्या क्या हम देखना चाहते हैं ये सब यहाँ पर हम इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। म्यूज़िक, गोप्रो, नेविगेशन, कॉल स्टेटस, एसएमएस, मिस कॉल, कॉल हिस्ट्री, इंटरकॉम, ये सब इसके अंदर हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए, म्यूज़िक डिवाइस, नोटिफिकेशन, नेम बट यूनिट, तो ये सारा सेटिंग इसके अंदर है। ब्लूटूथ के बाद आपका इसको हम सारा का सारा रीसेट कर सकते हैं, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पर। तो इस छोटे से डिस्प्ले के अंदर फंक्शन बहुत सारे हैं। इस बाइक के अंदर सिर्फ एक चीज़ की मेरे को जो कमी लगती है वो ये है, क्योंकि बाइक को थोड़ा सा इनो को वायरिंग के अंदर इनो गैप देना चाहिए था ताकि बंदा अपने हिसाब से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा सके। सो ये स्कोप इन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा इसके अंदर, इस बाइक के अंदर ये स्कोप इन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कि इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकें, बट वो अपने एंड पे ही करवाना पड़ेगा। सो अभी मैं GoPro वायरलेस माइक यूज़ कर रहा हूँ इस जस्ट बिकॉज अगर मैं इसको यू नो एक्सटर्नल माइक कोई और यूज़ करूँ तो पता नहीं ये वॉल्यूम कैसा आएगा, बिकॉज ओपन एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई फीडबैक दीजिए, आने वाले वीडियो आप किस तरह के देखना चाहेंगे। राइड्स तो हाँ मेरी कंटिन्यू रहेंगी, चलती रहेंगी, एंड यस आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ कमेंट बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियोज, एंड दैट्स इट। With your support, I will do more and I will do something which is out of the box. तैयारी है कुछ out of box करने की, तो आप आने वाले वीडियो में देखते ही रहेंगे। So अगर आप लोगों का support मिलता रहेगा तो it will keep me motivated. Otherwise, self-motivated तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, no problem. Anyways, इसके साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। मैं ये आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो until then, राम रखा, bye.